नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ। और गाइस, कुछ दिनों से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि टॉप 5 मैस्कुलिन डिओड्रेंट्स के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो काफ़ी समय से ये वीडियो बनाने की मेरी इच्छा थी, तो आज आप लोग के सामने हम लेके आए हैं टॉप 5 मैस्कुलिन डिओड्रेंट्स। तो गाइस, शुरू करते हैं। ये लिस्ट नंबर 5 पे मैंने रखा है डेनवर की तरफ से। डेनवर का कैलिबर एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है। ये एक गैस वाला डिओड्रेंट है। कुछ इस तरह से इसका बॉटल दिखता है। एक डार्क शेड देने की कोशिश की गई है जो कि इसके मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस को सिग्निफाई करता है। 150 ml वाला जो डिओड्रेंट है वो हमको करीब 180 रुपीस में ऑनलाइन चेक करने पर मिल जाता है। इस पूरे ही लिस्ट में सिर्फ यही एक फ्रेग्रेंस है जो कि गैस वाला डिओड्रेंट है। बाकी चार जो है मैंने नो गैस वाले रखे हैं। इसके स्मेल की अगर हम बात करें तो मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, मगर हमको हल्की फुल्की इसमें चॉकलेटी वाइब भी मिल जाती है जो कि इसके लॉन्जिविटी में हेल्प करता है और इसके प्रोजेक्शन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। आ जाते हैं हमारे नंबर 4 फ्रेग्रेंस पे। एक यूनिक फ्रेग्रेंस है जिसके बारे में उतनी ज़्यादा बात नहीं होती है। मैं बात कर रहा हूँ एंगेज की तरफ से, एंगेज का डबल X3। तो गाइज, बॉटल की तरफ अगर हम आ जाए तो बॉटल इनके स्टैंडर्ड डिज़ाइन जो है बॉटल का कुछ उस तरह का शेप दिया गया है, मगर इसमें कुछ डिज़ाइन पैटर्न जो है वो अलग दी गई है। इधर एंगेज डबल X3 लिखा है, पीछे MRP 250 रुपीस की दी गई है, मगर ऑनलाइन चेक करने पर हमको 178 से लेके 180 रुपीस के आसपास 135 ml वाली नो गैस डिओड्रेंट की क्वांटिटी मिल जाती है। एक यूनिक फ्रेग्रेंस है, काफ़ी मास अपीलिंग जैसा इसका फ्रेग्रेंस है, मैस्कुलिन बोल सकते हैं इसको, और अच्छा लास्टिंग भी हमको इससे मिल जाती है। आ जाते हैं गाइज हमारे नंबर 3 फ्रेग्रेंस पे। तो नंबर 3 पे मैंने रखा है द मैन कंपनी की तरफ से, द मैन कंपनी के रूज को। बॉक्स की तरफ अगर हम आ जाए तो एक वेलवेटी फिनिश देने की कोशिश की गई है। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इनका बॉक्स। पीछे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स दिए गए हैं, इधर फ्रेग्रेंस के बारे में कुछ कहा गया है। MRP जो है इसकी 349 रुपीस की लिखी गई है, मगर ऑनलाइन हमको ये 280 से लेके 290 रुपये के आसपास मिल जाता है। तो गाइज आ जाते हैं इसके बॉटल पे। तो बॉटल में द मैन कंपनी के कुछ सेम डिज़ाइन पैटर्न दिया गया है। इधर बॉडी परफॉर्म लिखा गया है, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स लिखा गया, इधर रूज लिखा गया है, सिल्वर कलर का कैप दिया गया है। इसकी क्वांटिटी जो है ये 120 ml की है। इसके स्मेल को अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैंने इसके बारे में एक डिटेल रिव्यू बनाया है, मैं कोशिश करूँगा कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो गाइस, इसके स्मेल में हमको एक ऊद जैसा एसेंस मिलता है और हमको स्ट्रॉन्ग वुडी नोट्स मिल जाते हैं इसमें हमको। और गाइस, इसके स्मेल में एम्बर वुड का एक मेंशन किया गया है, मगर मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि एम्बर वुड से ज़्यादा इसमें अगर वुड का हमको ज़्यादा एसेंस मिल जाता है। आ जाते हैं गाइस हमारे नंबर 2 फ्रेग्रेंस पे। नंबर 2 पे मैंने रखा है लेयर शॉट की तरफ से, लेयर शॉट का पैशन। लेयर शॉट वाले अभी अच्छा काम कर रहे हैं। आ जाते हैं इसके बॉटल डिज़ाइन में। तो लेयर शॉट वालों ने इस सीरीज में कुछ सेम डिज़ाइन पैटर्न रखा है। बॉडी स्प्रेज में 135 ml की हमको इसमें क्वांटिटी मिल जाती है। एक डिज़ाइन पैटर्न है, मगर लिक्विड की क्वांटिटी अच्छे से दिख जाती है हमको। बेसिक सा कैप मिल जाता है, एटमाइजर ठीक ठाक वर्क कर लेता है। गाइस, इसके स्मेल पे आ जाते हैं। इसके स्मेल में हमको एक सेंशुअल वाइब मिल जाता है जो कि इसको काफ़ी बढ़िया मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस बनाता है। एक सेंशुअल वाइब मिल जाता है। कुछ इसके कंपोनेंट्स वुडी बन जाते हैं ड्राई डाउन में, जिसकी वजह से इसको अच्छी खासी लॉन्जिविटी मिल जाती है। प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में अगर हम आ जाए तो 195 रुपीस में हमको 135 ml का ये बॉटल ऑनलाइन चेक करने पर मिल जाता है। इस फ्रेग्रेंस के वुडी नोट्स की वजह से हमको अच्छी खासी इस फ्रेग्रेंस से लॉन्जिविटी मिल जाती है और मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस को ये अच्छे से डिफाइन करता है। इसका नाम भी सिग्निफाई करता है, लेयर शॉट पैशन नाम दिया गया है जो कि इसके मैस्कुलिनिटी को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिफाइन करता है। आ जाते हैं हमारे नंबर 1 फ्रेग्रेंस पे गाइस। तो नंबर 1 पे रखने के लिए मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा। एक तो बजट फ्रेंडली होना चाहिए, कॉम्पोजिशन इसका अच्छा होना चाहिए, मास अपीलिंग होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट गेटिंग होना चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग भी होना चाहिए। हर कोई इसको पहन सके ऐसा एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस होना चाहिए। तो मुझे इस फ्रेग्रेंस के लिए एक ही नाम याद आया जो वाइल्डस्टोन कोड की तरफ से, वाइल्डस्टोन कोड का इरिडियम है। गाइस, वाइल्डस्टोन कोड स्टील को भी हम रख सकते थे, मगर उससे हमको उतना ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं मिलता, उतनी बढ़िया लास्टिंग भी नहीं मिलती है। मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस के लिए जो हर कोई इस्तेमाल कर सके, उसके लिए अगर हम आइडियल फ्रेग्रेंस देखें तो वाइल्डस्टोन कोड इरिडियम आइडियल चॉइस बन जाता है। इसके अगर हम पैकेजिंग पे आ जाए तो कोर सीरीज में कुछ सेम डिज़ाइन पैटर्न ये लोग ने यूज़ किया है। इधर वाइल्डस्टोन कोड लिखा गया है। इरिडियम के बारे में कंपनी ये कहती है कि इरिडियम एक्सूड्स पावर एंड एलिगेंस,
विद इट्स एरोमेटिक नोट्स ऑफ बर्गामॉट, पचुली एंड वेटिवर। पीछे की तरफ अगर हम देखें तो एमआरपी, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, बैच कोड हमको मिल जाता है। बॉटल की तरफ अगर हम आ जाए तो कोर सीरीज का बॉटल काफ़ी सुंदर बना है ये लोग ने, एक ग्लॉसी फिनिश दी गई है, पीछे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स मिल जाता है। ठीक ठाक सी हमको कैप इस प्राइस रेंज में मिल जाती है। एटमाइजर इसका बहुत स्मूथली वर्क करता है, एटमाइजर से मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है, बहुत बढ़िया बनाया ये लोग ने। स्मेल करते ही हमको गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये डियोर सवाज का क्लोन हमको मिल जाता है, इसलिए ये इतना मास अपीलिंग है। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने वाइल्डस्टोन कोर इरिडियम को लगाया था और मुझे काफ़ी बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे इरिडियम के साथ। ये एक अच्छी बात है कि आपका फ्रेगरेंस प्रोजेक्ट भी करेगा, लास्ट भी करेगा और कॉम्प्लीमेंट्स भी काफ़ी बढ़िया हमसे हमको इससे मिल जाती है। प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में अगर गाइस आ जाए तो एमआरपी इसकी 250 रुपये की दी गई है, मगर ऑनलाइन चेक करने पर हमको 200 रुपीज़ में एक वाइल्डस्टोन कोर इरिडियम मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप पैक ऑफ टू खरीदेंगे तो आपको इससे भी थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। तो गाइस एक बार फिर से देख लेते हैं आज हमने कौन से फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात किया। टॉप 5 मैस्कुलिन, इस टॉप 5 लिस्ट के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स मुझे देखने पड़े, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके ये लिस्ट बनाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे फ्रेग्रेंसेस है जो हर कोई पहन सकता है, मैस्कुलिन स्मेल करते हुए, लास्टिंग की भी किसी को कंप्लेंट नहीं आएगी और बजट में, काफ़ी ज़्यादा बजट में हमको ये फ्रेग्रेंसेस पड़ जाता है। नंबर फिफ्थ पे हमने रखा था डेनवर की तरफ से, डेनवर का कैलिबर अच्छा फ्रेग्रेंस है, ये गैस वाला डिओड्रेंट है। नंबर फोर्थ पे हमने रखा है एंगेज की तरफ से XXX3। नंबर थ्री पे हमने रखा है द मैन कंपनी का रूज, और नंबर टू पे हमने रखा था लेयर शॉट की तरफ से लेयर शॉट का पैशन, और गाइज नंबर वन पे हमने रखा है वाइल्डस्टोन कोर सीरीज की तरफ से वाइल्डस्टोन कोर का इरिडियम। तो ये था टॉप 5 मैस्कुलिन फ्रेग्रेंसेस, इजी टू वेयर, मास अपीलिंग, अच्छी खासी लास्टिंग देने वाले बजट फ्रेग्रेंसेस। इनमें से किसी भी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दे दूं, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। गाइस यही था आज का वीडियो। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इन सब में से किसके बारे में आप एक डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं ये जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।